साथियों नमस्कार। अगर आप ट्रेवल एजेंसी खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ जहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप ट्रेवल एजेंसी खोलने वाले हैं तो ट्रेवल एजेंसी का आप नाम क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ट्रेवल एजेंसी का नाम। तो हमने लिख दिया ट्रेवल एजेंसी का नाम, ये हो गया टाइटल। और उसके बाद अगर और कोई चीज जैसे आप एड्रेस और बाकी चीजें आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सीट क्या क्या तैयार की जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फील्ड तैयार करनी होगी। एक तो तैयार करना होगा क्लाइंट कोड। क्लाइंट कोड जो होगा ये आपके लिए क्या काम करेगा, ये आपके लिए काम करेगा कि आपको जो है पूरा का पूरा जो आप करने जो एंट्री करने वाले हैं तो हर एक क्लाइंट का अपना एक कोड आप निर्धारित कर दें जिससे वो क्लाइंट जो है पहचाना जा सके कि किस कोड का है। दूसरा बुकिंग डेट, किस दिन बुकिंग हुई वो डेट आप लिखें यहाँ पे। तीसरा आप क्या लिखें, क्लाइंट का नाम, क्योंकि क्लाइंट अब यहाँ पे बात होगी कौन सा क्लाइंट है तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम, क्लाइंट नेम के बाद फिर अगला हम अगर यहाँ पे कुछ एंट्री करें तो वो है व्हीकल नंबर या व्हीकल टाइप, किस तरीके का और कौन सी गाड़ी से वो ट्रेवल करने वाला है तो ये हमें यहाँ पे फिल करना होगा। व्हीकल टाइप या व्हीकल नेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा वो कौन सी गाड़ी से जो है ट्रेवल करेगा, कौन सी गाड़ी बुक हुई है। फिर उसके बाद ट्रिप, ट्रिप डेट, किस डेट को उसका ट्रिप है तो वो आपने यहाँ पे कर दिया। फिर रिटर्न कब है, रिटर्न डेट, किस दिन वापसी करेगा वो आदमी, रिटर्न डेट के बाद फिर उसके बाद बात आती है कि ये तो हो गया रिटर्न कब करेगा लेकिन कितनी दूर जाना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें डिस्टेंस लिखना होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस वेरियंस, डिस्टेंस कर दिया हमने। फिर उसके बाद कितने किस रेट में वो बुकिंग हुई है तो यहां पे लिख सकते हैं रेट, रेट प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर का रेट कितना है, रेट प्रति किलोमीटर। फिर आगे आप पढ़े टैब की को प्रेस करके। फिर एडवांस कितना दिया, एडवांस रिसीव्ड। फिर उसके बाद अभी पेंडिंग अमाउंट कितना है, पेंडिंग पेंडिंग अमाउंट कितना है, पेंडिंग अमाउंट के बाद या ऐसे कर सकते हैं इसको पेंडिंग रिसीव्ड कर लें, पेंडिंग रिसीव्ड, 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 रिसीव्ड। अब फिर उसके बाद बात आती है एक्स्ट्रा चार्जेस और क्या है, जैसे जो ड्राइवर जा रहा है उसके साथ कोई एक्स्ट्रा चार्ज या कुछ मतलब बीच में कहीं टोल पड़ रहा है उसका भी चार्ज लग रहा है तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, इसको हम कर सकते हैं एक्सटर्नल चार्जेस, एक्सटर्नल चार्ज। फिर उसके बाद टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी है। फिर उसके बाद टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट। फिर उसके बाद कितना पेंडिंग अमाउंट है, पेंडिंग अमाउंट, ये पूरा बन गया। अब बनाने के बाद अब बारी आती है इसकी फॉर्मेटिंग की। तो फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले तो आपने जहां तक एंट्री कर रखी है वहां तक आप सेलेक्ट करें, इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद आप इसको थोड़ा बड़ा करें और बोल्ड करें और इसके फॉन्ट साइज को भी थोड़ा सा डिफरेंट लुक देते हैं। फिर इसी तरीके से अब हम आते हैं ये फील्ड में और इस फील्ड को भी हम सेलेक्ट करते हैं, इसको भी हम बोल्ड करते हैं और इसकी साइज को हम थोड़ा
बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहां से हम फॉन्ट को थोड़ा डिफरेंट लुक देंगे, जो थोड़ा अच्छा लगे, ऐसा एक कोई फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट करें। आप देख लीजिए फॉन्ट आपको जो पसंद आए उस फॉन्ट को आप सेलेक्ट करें, जरूरी नहीं कि मैंने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया आप भी वही सेलेक्ट करें। अब फिर यहाँ स्टार्ट से लेकर आप इंड तक पूरा इसको सेलेक्ट कर लें। अब किसी भी कॉलम लाइन पर आप दो बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा इसको एडजस्ट कर देगा, ये देखिए। अब उसके बाद यहाँ पे अगला काम इसको क्या करना है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए इंड तक, और इंड तक सेलेक्ट करने के बाद अब इसको थोड़ा हम यूनिक बनाने के लिए यहाँ पर आप चाहे तो डेटा टैब में आके, इंसर्ट में आके यहाँ से बटन या इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें इनको अप्लाई करके और इनको और नहीं अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे सबसे पहले तो टेक्स्ट का, टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर, तो यहाँ पे हम कोई हल्का सा एक कलर अप्लाई कर देते हैं, और फिर उसके बाद टेक्स्ट का कलर थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं जिससे टेक्स्ट हमें एकदम अच्छे से दिखाई दे। फिर ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अब अगला काम हमें क्या करना है, इसको हमें बॉर्डर में ऐड करना है। जैसे आपको पता है कि आपके यहाँ क्लाइंट्स ज्यादा होंगे तो आप इसको सेलेक्ट कर लें पूरा का पूरा जहां तक आप चाहते हैं, और फिर इसमें आप बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर को अप्लाई करें। जब आप ऑल बॉर्डर को अप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा कंटेंट इस तरह से बॉर्डर में ऐड हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो फील्ड है, इस फील्ड को आप सेंटर कर लें, तो ये फील्ड सेंटर में हो गई। सेंटर में होने के बाद अब यहाँ फील्ड में अगर आप कोई भी और भी परिवर्तन करना चाहें या कोई और फॉर्मेटिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको अलग 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 तरीके के फॉन्ट्स भी अप्लाई करने होंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएंगे, इनका भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, अगर नहीं यूज करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप पूरा अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे आप बुकिंग करते हैं, आप एंट्री करते हैं। एंट्री के लिए जैसे आपने मान लीजिए क्लाइंट कोड आपने 001 से शुरू किया, तो 001, लेकिन इसमें फ्रंट में 00 नहीं लेगा, तो 1001, तो हमने क्लाइंट कोड 1001 से शुरू किया। तो बुकिंग डेट जैसे जो भी डेट है, मान लीजिए आज की डेट है, तो आप लिख सकते हैं 07/29/2024। फिर क्लाइंट नेम जो भी है वो नाम है आप यहां पे ऐड कर देंगे। फिर व्हीकल टाइप आपकी जो गाड़ी है, जिस गाड़ी से वो जाने वाला है, वो गाड़ी का नंबर। फिर उसके बाद ट्रिप, तो ट्रिप कब है, मान लीजिए कि इस 1/8 को है, 1/8 रिटर्न कब होना है, रिटर्न डेट मान लीजिए आपकी है 20/8 को। इस तरह से डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं KM 50 किलोमीटर। इसमें आपको मैं आगे एक और वीडियो में अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से ये किलोमीटर ऑटोमेटिक ले ले। और यहाँ पे 1 किलोमीटर आप कितने रेट, मान लीजिए 5 रुपए प्रति किलोमीटर के रेट से जा रहे हैं, तो 5 यहाँ पे लिख दें। एडवांस कितना रिसीव किया, मान लीजिए 1000 रिसीव किया। तो अब उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट अभी कितना बचा हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे निकालना है, एक्स्ट्रा चार्जेस, डिस्टेंस और पेंडिंग अमाउंट। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी होंगी, निकालनी होंगी, और बहुत आसानी के साथ हम इसको सेट कर सकते हैं। एक एक चीजें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप आगे का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आगे का वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।